हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लास। हाउ आर यू बच्चों? आई होप एवरीवन इज फाइन एट योर होम। तो चलो बेटा, आज मैं आपके हिंदी के अध्यापक का फिर से उपस्थित हूँ आपकी हिंदी क्लास में। और आज का हमारा टॉपिक है विशेषण। क्या है हमारा टॉपिक? विशेषण, हिंदी व्याकरण का पाठ 7 विशेषण, जो कि हमने कल भी अच्छे से पढ़ लिया था, समझ लिया था। आज मैं उसके क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्लियर करा देती हूँ। ओके बेटा, तो देखो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट बनता है विशेषण व उसके भेद, यानी कि विशेषण किसे कहते हैं और उसके कितने भेद होते हैं। देखो बेटा, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है कि जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। और विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला हमारा, जैसा कि हमने कल पढ़ा था, इसके 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण, ठीक है। सार्वनामिक को हम संकेतवाचक भी कहते हैं। ओके बेटा, तो ये 4 थे हमारे विशेषण के भेद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है विशेष्य किसे कहते हैं? विशेष्य, तो जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए विशेष्य कहलाते हैं, यानी कि वाक्य में जब जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही है उसको हम क्या कहते हैं? विशेष्य। जैसे यहाँ पर है हमारा मीठा आम, तो ये आम हमारा क्या हो जाएगा? विशेष्य, ठीक है। आम हमारा क्या हो जाएगा? विशेष्य। मीठा हो जाएगा हमारा विशेषण। ऐसे ही सुंदर घड़ी, तो ये घड़ी है हमारा क्या हो जाएगा? घड़ी, विशेष्य, ठीक है। यानी कि जिस शब्द के बारे में वाक्य में बताया जा रहा है, जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही है, यहाँ पर घड़ी की विशेषता बताई जा रही है, तो घड़ी हो जाएगा विशेष्य और सुंदर हो जाएगा विशेष्य। ऐसे यहाँ मीठा आम, आम की विशेषता बताई जा रही है, तो आम हो जाएगा विशेष्य और मीठा हो जाएगा हमारा विशेष्य, ठीक है बेटा। तो ये जो था हमारा विशेष्य था कि विशेष्य किसे कहते हैं, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए वो विशेष्य कहलाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन विशेषण और उसके भेद, सेकेंड था हमारा विशेष्य। अब थर्ड क्वेश्चन हमारा आता है संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर स्पष्ट करो। संख्यावाचक और परिमाणवाचक में, यहाँ पर देखो बेटा कंफ्यूजन रहता है संख्यावाचक और परिमाणवाचक, क्योंकि दोनों में सेम सेम सा हो जाता है। अब संख्यावाचक में जैसे हमारा आ जाएगा 3, 7 कुछ भी, और ऐसे इसमें आ जाएगा हमारा 2 लीटर, 5 किलो, ठीक है बेटा, इस तरह से। तो इसमें संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण जो है, ध्यान से सुनना बेटा, जो विशेषण शब्द संख्या संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं, जो विशेषण शब्द संख्या संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं वो तो होते हैं हमारे संख्यावाचक विशेषण, और जो विशेषण शब्द मात्रा या मात्तोल का बोध कराते हैं वो होते हैं हमारे क्या होते हैं? परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। तो संख्या संबंधी में आएगा हमारा 3, 4, 5, 7, 2, 1, 20, 25, ये हमारा जाएगा संख्या संबंधी में, यानी कि सिर्फ संख्या बता रहा है कि 1 मार्कर, 2 पेंसिल, 10 पुस्तक, 4 कुर्सी, इस तरह से वो संख्यावाचक में रहता है, ठीक है। कुछ इसमें संख्यावाचक के भी 2 पार्ट रहते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। तो निश्चित में तो मैंने बताया था कि निश्चित होता है कि 2, 4, 5, 7, और अनिश्चित में जैसे रहता है कुछ पेंसिल, मान लो मैंने बोला 2 पेंसिल, तो ये निश्चित है 2 पेंसिल, और फिर मैंने बोला कुछ पेंसिलें, तो कुछ पेंसिलें में कुछ निश्चित नहीं है ना कितनी है, तो वो आ जाता है हमारा अनिश्चयवाचक संख्यावाचक विशेषण में, ठीक है। अब आ रहा है परिमाणवाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द मात्रा या मापतोल संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं। अब गिनती तो देखो, काउंटिंग से आनी है, 2, 5, 7 आएंगी, लेकिन साथ में यहाँ पर मात्रा या मापतोल आ रहा है, ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। जैसे 2 किलो, 5 लीटर, 3 किलो, 1/2 किलो, इस तरह से 1 मीटर, ये हमारा आ जाता है परिमाणवाचक विशेषण, क्योंकि यहाँ पर हम वजन लेकर चल रहे हैं, वेट लेकर चल रहे हैं, ठीक है, कि किलो, कितने किलो, कितना मीटर, इस तरह से हम लेकर चल रहे हैं, तो ये आ जाता है हमारा परिमाणवाचक विशेषण में। ये भी 2 तरह के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित में तो ये जाएगा 2 लीटर का मतलब 2 लीटर, 1 किलो का मतलब 1 किलो, निश्चित है। और हम कहें कि थोड़ा, कुछ, कम, थोड़ा कितना नहीं पता, कम कितना नहीं पता, कितना कम निश्चित नहीं ना, वो आ जाएगा अनिश्चयवाचक
परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है बेटा, तो ये थे हमारे आज के तीनों प्रश्न। एक लास्ट क्वेश्चन हमारा बचता है सार्वनामिक या संकेत वाचक विशेषण किसे कहते हैं। सार्वनामिक या संकेत वाचक विशेषण किसे कहते हैं, जब सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर न आके संज्ञा के साथ में आता है। जैसे मान लो मैंने लिख दिया वह पुस्तक है। ठीक है, वह पुस्तक है या यह पुस्तक है। ठीक है, तो साथ में आ रहे ना, तो ये हमारा आ जाता है सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। यानी कि संज्ञा के या सर्वनाम के स्थान पर नहीं आता, बल्कि वो जो सर्वनाम शब्द है वो संज्ञा के साथ में आता है, तो वो हो जाता है हमारा सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। ठीक है बेटा, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन आंसर्स। आई होप सभी को क्लियर हो गए होंगे। नहीं होते हैं तो रिपीट वीडियो कर लेना अपनी, और उसके बाद भी समझ नहीं आ रहे हैं तो हमारी जो गूगल मीट पर ऑनलाइन क्लासेस हमारी चलती है, गूगल मीट पर ऑनलाइन क्लास रखी, इसलिए जारी कि जो कोई डाउट है आप वहां पर अपना क्लियर कर लो, तो वो डाउट फिर मुझसे वहां क्लियर कर लेना। ओके बेटा, इसको ध्यान से करना, अच्छे से समझ के करना, और मैं बार बार ये कह रही हूँ कि चैप्टर को जरूर रीड करना है, एक बार खुद से आप अच्छे से रीड करोगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।